जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी अभी यूपीएससी की तरफ से एक नई अपडेट आ रही है आपके एनडीए 2 2021 को लेकर। एनडीए 2 2021 का फाइनल मेरिट लिस्ट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरह से चेक कर सकते हैं। और एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ कि पिछले 10 दिन से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं सिक था, मैं बीमार था और अभी मैं रिकवर हो गया हूँ। तो अब लगातार जितने सारे अपडेट्स आएंगे आपके डिफेंस एग्जाम्स को लेकर, अभी आपका एनडीए 1 2021 का एसएसबी का डेट्स आना बाकी है और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अब कुछ दिनों में ही आ जाएगा क्योंकि अभी आपका एनडीए 2 का मेरिट लिस्ट आ गया है। और जब मेरिट लिस्ट आ गया है तो आपका एनडीए 1 का एसएसबी अब जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। ये एक काइंड ऑफ इंडिकेशन है, आप सभी को अब रेडी रहना है अपने एसएसबी इंटरव्यू को डेट सिलेक्शन लिंक को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो अभी जो आपका एनडीए 2 2021 का जो मेरिट लिस्ट आया है इसको देखने के लिए आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे जो एक व्हाट्स न्यू का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में एक व्यू ऑल का ऑप्शन लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जितने सारे अपडेट्स यूपीएससी की तरफ से आते हैं, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो या आपका रिटर्न रिजल्ट से रिलेटेड हो या आपका फाइनल मेरिट लिस्ट से रिलेटेड हो या नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, तो सारा अपडेट आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो लेटेस्ट अपडेट है अभी एनडीए के लिए फाइनल रिजल्ट एनडीए 2 2021, ये अपडेट कल आया था, मैं अभी आपको आज बता रहा हूँ। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट का लिंक अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। जब आप इस डॉक्यूमेंट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका एनडीए का फाइनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैं एनडीए का फाइनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लिया हूं, आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहां पे आप प्रेस नोट देख सकते हैं, सब्जेक्ट नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, एग्जामिनेशन 2 2021, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट देयर ऑफ। तो यहां पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि टोटल कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल अराउंड 462 कैंडिडेट का एसएसबी में रिकमेंडेशन हुआ था और उनमें से सारे का मेरिट लिस्ट में यहाँ पे नाम आ गया है। तो बेसिकली अब यहाँ पे सीट तो एनडीए में सिर्फ 400 है लेकिन टोटल यहाँ पे 462 का नाम आया है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि 462 मतलब 462 में से काफ़ी लोग यहाँ पे मेडिकली अनफिट हो गए। तो जो लोग मेडिकली अनफिट होंगे उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे टोटल 400 लोगों की ज्वाइनिंग होगी, 400 में से आपका 19 गर्ल्स और बाकी 381 बॉयज़ की कंप्लीट वहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाली है। अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो रैंक वन आया है, रैंक वन कौन है। तो जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा रैंक वन, उनका रोल नंबर 0884372 अर्श पांडे, जिसका रैंक वन आया है आपके एनडीए 2 2021 के एग्जामिनेशन में। और कुछ दिनों के बाद अभी मार्कशीट भी जारी कर दिया जाएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका एनडीए एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था या फिर अगर आप एसएसबी नहीं क्लियर कर पाए थे तो आप अपना मार्कशीट किस तरह से चेक कर पाएंगे। तो मार्कशीट को चेक करने के लिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी आपको 15 दिन के अंदर अंदर, आज से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे आप देख पा रहे होंगे upsc.gov.in पे अपना मार्कशीट चेक कर पाएंगे। द रिजल्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूपीएससी वेबसाइट एट upsc.gov.in। हाउएवर मार्क ऑफ द कैंडिडेट विल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट आफ्टर 15 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट कल आया था तो कल से लेकर 15 दिन के बाद आपका मार्कशीट यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही मार्कशीट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल यही अपडेट है कि टोटल 462 कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और इनमें से जो टॉप 400 होंगे और उसके साथ इनको मेडिकली फिट होना है, तब जाके इनकी ज्वाइनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में होने वाली है। और अभी जो फर्स्ट रैंकर है अर्श पांडे, और कुछ दिनों में ये जो टॉप रैंकर आए हैं जिन जिन का नाम इस पीडीएफ में है, इस पीडीएफ में जिन जिन का नाम है उनका भी मार्कशीट यूपीएससी की तरफ से कल या परसों जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही आएगा उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि अभी से आपको रेडी रहना है
NDA 1 2022 के SSB को लेकर, क्योंकि जब इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है पिछले NDA का, NDA 2 2021 को लेकर, तो अब से आपको NDA 1 2022 का SSB का डेट सिलेक्शन लिंक आने में बस 3 से 4 दिन ही बाकी है। वे आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, इसमें कोई अभी श्योरिटी नहीं है, बट 3 से 4 दिन में श्योर शॉट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब पिछले NDA का मेरिट लिस्ट आ गया है तो अब इस बार का भी SSB इंटरव्यू स्टार्ट होने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैं आपको 1-to-1 डाउट सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।